Hello friends, my Dr. Amit Joshi. I am working as a diabetologist, sexologist and hormone expert in Jaipur. और आप सभी मेरा YouTube चैनल देखते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. पिछले कुछ समय से मेरे पास लो स्पर्म काउंट को लेके काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा आप लोगों से. लो स्पर्म काउंट क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, हम इस पे बात करेंगे. तो लो स्पर्म काउंट वो है जिसके अंदर जब हम इजैकुलेट होते हैं, ड्यूरिंग इजैकुलेशन यदि हमारा स्पर्म का वॉल्यूम, सीमन या वीर्य का वॉल्यूम कम आता है, जित तो उसकी वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं या हम कंसीव नहीं कर पा रहा है हमारा पार्टनर, तो हम इसको लो स्पर्म काउंट बोलेंगे. तो लो स्पर्म काउंट दो तरीके का हो सकता है. एक तो जिसमें स्पर्म का वॉल्यूम तो काफ़ी आ रहा है, 3 या 4 ml तो स्पर्म निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, पर उसके अंदर जो स्पर्म की क्वांटिटी है, जो स्पर्म्स हैं, वो बहुत कम आ रहे हैं. एक तो इस तरह से ये एक तरीके का होता है. दूसरा, स्पर्म वॉल्यूम बहुत कम है, यानी कि करीब 0.5 ml स्पर्म आ रहा है या 10 बूंदे ही स्पर्म आ रहा, तो इसको भी हम लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में ही डालेंगे. ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार स्पर्म क्वांटिटी तो अच्छी मात्रा में होती है, मतलब स्पर्म जो क्वांटिटी है वो 50 मिलियन या 60 मिलियन हो सकती है, पर जो वॉल्यूम है वो 0.5 चम्मच से कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कंसीव करने में दिक्कत आती है. तो व्हाट इज़ लो स्पर्म काउंट, इसको हम ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया जिसके अंदर हमारा स्पर्म कम आ रहा है. यदि ओलिगोस्पर्मिया के अंदर स्पर्म एब्सेंट है तो उसको हम एजोस्पर्मिया बोलेंगे, मतलब स्पर्म जो है वो तो आ रहा है, स्पर्म जैसा लिक्विड तो आ रहा है, लेकिन उसके अंदर स्पर्म की मात्रा 0 है या लेस देन 10 है, तो हम उसको एजोस्पर्मिया भी बोल सकते हैं. तो व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया और लो स्पर्म काउंट, अकॉर्डिंग टू WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बोलता है कि यदि आपका स्पर्म 15 मिलियन से कम है पर मिलीलीटर, तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया. तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये कैसे हमारे को प्रभावित करता है. तो लो स्पर्म काउंट अक्सर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेके आते हैं कि जब फैमिली इशू, जब वो फैमिली प्लान कर रहे होते हैं, जब वो बच्चा प्लान कर रहे होते हैं और विदाउट एनी प्रोटेक्शन और रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, और इस चीज़ को करीब 1 से 1.5 साल हो जाए और फिर भी वो कंसीव नहीं हो पा रहा है फैमिली, तो वहाँ पर हम इसको लो स्पर्म काउंट बोलेंगे. तो लो स्पर्म काउंट के साथ साथ और क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती है, लो सेक्सुअल डिज़ायर होने लगती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है. कई बार लो स्पर्म वॉल्यूम वाले या लो स्पर्म काउंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके टेस्टिस के अंदर पेन या स्वेलिंग भी हो सकता है, तो ये सब लो स्पर्म काउंट के अंदर आने लगता है. तो इसके अंदर जो हम जब लो स्पर्म काउंट पे बात करेंगे तो लो स्पर्म काउंट के साथ साथ और क्या क्या डिजीजेज आती है. यदि हम लो स्पर्म काउंट वाले लोगों को देखें तो कई बार उनके फेशियल हेयर्स कम होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है. तो हम आज लो स्पर्म काउंट पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, इसके मेडिकल कॉजेज क्या क्या हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कौन कौन से विटामिन इस पर काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो आज हम बाकी के वीडियोस पे डिस्कस करेंगे. थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है, उसको दबाएं, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहें. थैंक यू.